मेरे पास इससे भी अच्छी तरकीब है मेरे पीजी से बदला लेने के लिए। इसमें तो बहुत मजा आएगा गुंजन दीदी, मैं अभी पीजी को बताती हूँ, उन्हें भी साथ ले लेते हैं। ठीक है चल। मेरे पापा जी आज सुबह ही कैनेडा के लिए निकल गए, जाते जाते कह रहे थे वहाँ पहुँचते ही मैंने फोन करेंगे, वहाँ उनको कोई अच्छा काम मिल गया और बीच बीच में हमसे मिलने भी आएंगे, और जब भी आएंगे मेरे लिए और पप्पी के लिए बहुत सारे खिलौने और कपड़े भी लाएंगे। क्या हुआ रणवीर? जब भी मेरे पापा जी तो यही पास के शहर में गए, फिर भी मुझसे मिलने नहीं आते, फोन भी नहीं करते। आ जाएगा रणवीर, काम ज्यादा होगा ना इसलिए फोन नहीं किता, वो उदास ना हो। जब भी तुम्हें अपने पापा जी ने बार बार कह रहे ना कि जल्दी आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पापा जी भी बहुत निकले कह रहे ना मैं रुक जाए, बहुत ज्यादा थे, बहुत बुरा लगता है। चलो बच्चों अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। नमस्ते टीचर जी। नमस्ते, बैठ जाओ। रणवी, स्कूल के बीच में अपने दोस्तानु क्लासरूम में बुलाना अच्छी बात नहीं होती, पढ़ाई पे ध्यान दो, दोस्ती पर नहीं। टीचर जी। चलो बच्चों अपनी अपनी विज्ञान की किताब निकालो, आज हम मानव शरीर की रचना के बारे में पढ़ाई करेंगे। पीजी, वो कीड़े वाले का पता लग गया। अरे वो कीड़े वाले का पता लग गया। की बोल रही है तू? बच्चों किताब का पेज नंबर 65 खोलो। रणवी बाहर के देख रही सी, अपनी किताब खोलो। अब जल्दी से बाहर आओ ना, कीड़े वाला का पता चल गया। रणवी, बार बार मना करने के बावजूद बाहर क्या देख रहा है? टीचर जी वो वीरा। वो वीरा जैसे लड़की बाहर खड़ी थी। रणवी पढ़ाई चल रही है या मौज मस्ती? ध्यान कितने रहता है तेरा? टीचर जी गलती हो गई, मैं सजा के लिए बाहर खड़ा हो जाऊं। सजा? नहीं टीचर जी, मेरे विष्णु बाहर नहीं निकालो, मैंने परेशान करी थी अपने करूंगी। तू अपनी क्लासरूम छोड़ के इत्थे की कर रही है? जा अपनी क्लास में, वरना मैं तेरी टीचर नु शिकायत करूंगी। जा। जा कहा ना? जा। अपनी किताब निकालो, बैठो। इतना धुआं। रुकिए, बोनट गर्म होगा, हाथ जल जाएगा आपका। वो शायद आपने रेडिएटर में पानी नहीं डाला, इसलिए इंजन गर्म हो गया। पानी? हाँ, या Thank you.
बस थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। मीरा, मैंने कहा था ना कि क्लास में कोई नहीं होगा। पीजी का पहला पीरियड पीटी का होता है। चल चल धीरे धीरे। वो जी, मैंने शमशेर के जाने के बारे में सुना, तो खेतों का सारा काम आपके सर पे आ गया होगा, कैसे संभाल रही होंगी? देखिए, अगर आपको किसी भी काम में मेरी मदद की जरूरत पड़े तो जरूर बताइए। जी धन्यवाद, थोड़ा मुश्किल है लेकिन संभाल लूंगी, आदत हो गई है। वैसे भी कल के बाद जैसे एक नई ताकत मिल गई है मैनू। फिर भी समय पर आकर मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे संपूर्ण आपकी हिम्मत की बहुत तारीफ किया करता था, कहता था आप किस तरह से सारा काम अकेले संभाल लेती, बहुत गर्व था उसे आप पर। जी वो आपको एक बात बताना भूल गया, मैं अभी बलवंत सिंह जी से मिलकर आ रहा था, उन्होंने कहा कि कृषि विद्यालय का काम अभी जल्दी शुरू हो जाएगा। मोटी मोटी सारी बात तो पता है, मैं बस वो आपसे पूछना था कि संपूर्ण ने आपको इस विद्यालय के लिए कुछ बताया हो तो। सरपंच जी का ये कृषि विद्यालय का सपना जैसे 2400 घंटे उनकी आंखों के सामने घूमता रहता था। जब भी फुर्सत मिलती थी बस इसी के बारे में बातें किया करते थे। आज भी उनकी हर एक कही बात याद है मन्नू। वही मैं कह रहा था जी, अगर आप मुझे बता देंगे ना तो संपूर्ण के सपने को वो आकार मिल जाएगा जैसा उसने सोचा था। क्यों आप ये सब कुछ क्यों करना चाहते हैं? जबकि खुद प्रीतमपुरा वासियों ने कभी इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया, तो फिर आपको इस सपने में इतनी दिलचस्पी क्यों है? जी आपके सवालों के जवाब तो मैं पहले ही दे चुका हूँ। हाँ जानती हूँ कि आप पर उनका 5 लाख रुपयों का कर्ज, लेकिन वो तो आप दान कर चुके हैं, फिर अब कौन सा कर्ज है? अब कौन सा कर्ज है जिसको चुकाने के लिए आप अपना घर बार काम धंधा छोड़कर इस सपने को पूरा करने के लिए यहाँ रुकना चाहते हैं? आपने जितना बताया था उतना मेरे सवालों के लिए काफी नहीं है। जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे जैसे आप मुझसे कोई बात छुपा रहे हैं। जी ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो आपको जी। सत श्री अकाल पुजारी। सत श्री अकाल। क्यों होया, कोई मदद की जरूरत है? नहीं जी कुछ नहीं, वो थोड़ा सा इंजन गर्म हो गया था, रेडिएटर में पानी डाल दिया, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा जी। और हाँ वो मैंने इनसे पूछा था, संपूर्ण ने कुछ बताया हो विद्यालय के लिए तो हम लोगों का काम आ जाएगा आगे, बस वही पूछा था जी। जी वो मैंने कृषि विद्यालय के बारे में जो भी बताना है वो मैं बाद में आकर निहाल सिंह जी नू बता दूंगी। अभी कुछ काम निपटाना है, मैं चलती हूँ। सत श्री अकाल।
कोई फायदा नहीं है निहाल सिंह जी। सरजय जी खेतों में किसी की मदद नहीं लेने वाली। देख झूठ मत बोल, तेरे अंदर से कैसी बदबू आ रही है। नहीं बलदेव सच्ची बोल रहा हूँ, मैं दो बार नहाता हूँ। अगर तू दो बार नहाता है तो तेरे में से ऐसी बदबू क्यों आ रही है? ये तो है एक नंबर का झूठा, इसके पास में से गोबर जैसी बदबू आ रही है। देख अगर कल से तू नहा के नहीं आया ना तो मैं तेनु नहलाऊंगा, वो भी तालाब बीच में। चल जा अच्छे से मुंह हाथ धो कर आ, और अगर इंटरवल के बाद मुझे तेरे में से बदबू आई ना तो देख छुट्टी के बाद घर तक बुरका बनाकर लेके जाऊंगा मैं तन्नू। जा और वीर जी ने उससे कहा कि किसी से कुछ मत कहना। अच्छा मैं अभी जाके देखता हूँ उस बलदेव के बच्चे नू, उसकी वजह से मेरी वीरानू इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। देखना आज मैं उसे नहीं छोड़ने वाला और मैं बिजली पे बताऊंगा। देवी जी कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो करना था वो सब कर दिया। की कर दिया? बस कर दिया वीर जी। अब आएगा मजा। आज मेरी बीजी ने बड़ा भारी सा खाने का डब्बा भिजवाया, और अगर तुम लोग को कम पड़े तो कह देना थोड़ा थोड़ा फेंक दूंगा। नहीं नहीं हम लोग को नीचे भर पेट खा लो अकेले। मैं खोल दूं की? नहीं कोई जरूरत नहीं है तेरी मदद की, मैं अपना खोल सकता हूँ। गोबर? एक रोटी दूं आपको? क्या होया? बहुत गुस्से में दिख रहे हो? कुछ नहीं। कुछ छुपता नहीं है आपके चेहरे पर, बताओ कुछ तो बात है। वो बख्तावर बहुत हिम्मत बढ़ गई है उसकी। आप की हुए फिर से कुछ किया क्या उसने? एक तो वो शमशेर चला गया, रतन परजाई जी खेत में बिल्कुल अकेली हो गई है, सारा काम उनके सर पर आ गया। बलवंत प्राजी नु कहता है कि मैं कर देता हूं ना उनकी मदद, और भी उल्टी सीधी बातें कर रहा है। हाय रुबा इतनी बेशर्मी, तो फिर ये सरपंच जी ने क्या कहा? क्या कहा उन्होंने? बस चेतावनी दे दी और कह दिया कि आगे से ऐसा करेगा तो कार्यवाही होगी। और होता क्या इस पिंड में, मेरा तो मन करता ना मुंह तोड़ देता उसे। रहने दो जी, क्या मुंह लगना ऐसे इंसान के, ऐसे
रतन परजाई जी को परेशानी तो बहुत हो रही होगी, अकेली औरत कैसे संभालेगी इतनी सारी जिम्मेदारी? घर परिवार है, खेत है, और नहीं तो क्या? आज उनका ट्रैक्टर भी खराब हो गया, वो तो निहाल ने ठीक कर दिया। मुझे लगता है निहाल रतन परजाई जी के खेत में काम करना चाहता है। अरे ये तो बहुत चंगी गल है, और वैसे भी रतन परजाई जी को अपने खेतों के वास्ते एक आदमी की जरूरत है और निहाल को काम की जरूरत है। घर परिवार तो उसका कुछ है नहीं और बंदा भी भरोसेमंद है। अब रतन परजाई जी की मदद आप तो कर नहीं सकते हो, तो मैं तो कहती हूँ कि अगर आपकी जगह रतन परजाई जी की जिंदगी में कोई ले सकता है ना, तो वो निहाल है। क्या बकवास कर रही है तू? अरे खाना तो खा लो। मैंने सही कहा था जी, आपके चेहरे पर कुछ नहीं छुपता। कभी कभी लगता है मैंने आपके और रतन परजाई जी के बारे में जो सोचा था वो सच है। लख लख शुक्र है रब्बा आपका, जो आपने निहाल को इत्थे भेज दिया, क्योंकि अगर निहाल इत्थे ना होता तो बात बहुत बिगड़ जाती। मेरी वीरा नु कीड़े वाला डब्बा तूने भिजवाया था ना, जिसकी वजह से मेरी वीरा नु इतनी सजा मिली। गंदे काम करने वालों को गोबर ही मिलता है, जो तनु मिल चुका है। ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।